सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। कैसा था मेरा शेर? बिल्कुल तुम्हारी हरकतों के जैसा। तुम नहीं सुधरते, ठहरो तुम और मैं। हजारों से मोहब्बत करते करते यहाँ एक से सही से करने नहीं आ रहा, हजारों से करते करते। तौबा तौबा, पूरे छिछोरे हरकता है जी तुम्हारे। और तुम्हारे मुंह से तो मेरी तारीफ की उम्मीद करना ही बेकार है। तुम्हारे से उम्मीद करने से अच्छा तो ब्यूटी क्रीम लगा लेना इंसान, कम से कम रंग खुलता, दिल को सुकून पड़ता। सुकून की बात मत करो तुम, सुने, सुकून की बात मत करो तुम। तुम्हारे से सुकून एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता मैं। जैसा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते ना, वैसे ये घर में तुम और सुकून एक साथ नहीं रह सकते। अजी तमीज से बात करो, बोल रही मैं तुम्हारा नहीं करता। हाँ तमीज के हमारे अम्मा का सगा, बा का सगा से बात करने के वास्ते में। अजी पागल आदमी, इज्जत दे के बात करो, बोल रही हूँ मैं। या मेरे का ना खुद का इज्जत नहीं है तो मैं तुम्हार को कहां से दियूं जी। जबान पे लगाम दियो। जबान का घोड़ा है, उसको लगाम देने के वास्ते। अजी आपके एग्जाम के टाइम पैदा हुए थे? हाँ कुछ भी बोले तो सवाल पूछ रही। हाँ अब तुम्हारे मेरी हर बात सवाल दिख रही, मेरे से बात ना करो भाई। कौन बात करो, बना ना करो भाई। बड़े शौक से। अम्मा इनसे एक दिन बात नहीं करे तो कितना सुकून दिख रहा। हे ऊपर वाले, इनको गूंगा कहीं को नहीं पैदा कराऊंगा, मेरी एक परेशानी तो दूर ही हो जाती थी। मेरे को तुम्हारा इतना खामोश और सुकून में देख के जर्रा भी खुशी नहीं हो रही। तुम्हारा चैन खराब कर देता हूँ, तुम्हारा जीना खराब कर देता हूँ। चेहरा है या गटर खुला है, जुल्फ गलीज ये बाल है क्या, नागिन जैसी हंक्या वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अम्मा ये औरत कुछ भी साफ नहीं करती। और कैसा था गाना? अल्लाह के वास्ते में और परेशान नको करो जी तुम। अरे ठीक है मैं करता हूँ। परेशानी बोले तो याद आया, औरतों की परेशानी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती। जब उन्हें बहू बनती तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती तो बहू अच्छी नहीं मिलती, और जब देवरानी बनती तो जठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जठानी बनती तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, और जब ननन बनती तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, और जब भाभी बनती तो ननन अच्छी नहीं मिलती, और रह गया शौहर, वो तो किसको भी अच्छा नहीं मिलता। अगर गलती से अच्छा मिल भी गया तो नौकरानी अच्छी नहीं मिलती। क्या हुआ जी? अरे तुम छुड़ैल के जैसा आ गया जी, खामोश खामोश, डर गया ना वही। अम्मा कामवाली से याद आया, एक कामवाली देखो, अब मेरे से घर के काम नहीं होते भाई। आई तो बैठ के खाना होता फिर। वैसे भी तुम घर के ऐसे कौन से काम करते बोल के? क्या बोले? नहीं मैं बोला वैसे तुम घर के पूरे काम करते शाजी। वही बोल रही थी। देखो कामवाली देखो, मेरे को अब से घर के काम नहीं करना है। उतना ही सोचता अम्मा को फोन करके बोलो काम करने के वास्ते घर के। क्या बोले? मैं बोला उतना ही सोचता अम्मा को फोन करके बोलो भाई, कोई भी काम वाली है तो भेजो बोल के। बहुत ही जबान चल रही तुम्हारी, अगर काम वाली नहीं मिली तो घर के पूरे काम तुम्हारे से कराती हूँ, जब देखेंगे कैसे हाथा चलते। अब तुम ज्यादा दिमाग नक को चलाओ, ऐसे भी दिमाग खत्म हो जाता। क्या बोलना चाह रही थी तुम? हाँ मेरे में दिमाग नहीं है क्या, मैं पागल हूँ? और अगर तुम्हारे के इतना दिमाग है तो तुम मेरे से शादी नहीं करना था फिर। हमारे अम्मा बाप बचपन में मेरे को डराते थे, मेंढक को नको मार, गूंगी बीवी मिलती बोल के। अब सोच रहा हूँ मैं, एक आधा मेंढक को तो मार देना था, कम से कम ये मुसीबत से तो बच जाता था मैं। लड़ा लड़ा करते रहते हमेशा। जब से पुकारा करने वाली पागल दिख रही हूँ मैं तुम्हारा को? हाँ क्या मैं दीवानी हूँ? और तुम अपने आप को समझते क्या? हाँ क्या तुम पीस मार खा है, बाल खा है? शुक्र करो जी तुम्हारा मैं मिली, नहीं तो तुम्हारे जैसे को कौन बच्ची देते थे? तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप। जाओ कौन मंगने वाले आए कि देखो जाओ। अब कौन है यार वही, क्या तो भी परेशानी। कौन तो भी है, कौन तो भी है, आई पापा है, मैं कौन तो भी चंदा मंगने वाला समझी थी। और दामा साहब अंदर नहीं बुलाते? मेरा बस चलाते, इधर से वापस भिजा देता हूँ आपको।
मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मजबूरन आपको अंदर बुलाना पड़ता। बाहर क्यों खड़े हो अंकल? अंदर आइए, अंदर आइए। रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डिकॉशन बनाओ जी, डिकॉशन बना के दीजिए अंकल को, चाहिए से एसिडिटी हो जाएंगी। मेरे को एसिडिटी फैसिलिटी नहीं होती, मैं तो दूध की चाय पीऊंगा। चिच्चा मेरा सुकून बर्बाद करने के वास्ते आ गया साहब। ला रहा हूं। और पापा तबीयत कैसी है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है बेटा। मम्मी को भी लाना था। तेरे को मालूम ना बेटा, मैं मुसीबत को लेके साथ नहीं घूमता। रुको, अब भी मम्मी को फोन करती हूँ मैं। अरे नक्को बेटा, उसको नहीं मालूम मैं यहाँ आया तो। आने से याद आया, मैं पूछना ही भूल गई, कैसा आना हुआ पापा? मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि आज ये डूबता हुआ सूरज इधर कैसा? वो आपके साले के वास्ते बच्ची देखने जा रही, आप दोनों चलो, आप दोनों का फैसला भी जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लगा जाओ भाई, यहाँ तो मेरा अपना फैसला गलत हुआ था। Oh no! अजी, दूध की पैकेट दो। वो इंसान कभी कभी गलत फैसला ले लेता, मैं भी तुम्हारी सास के मामले में ऐसी गलती कर रहा था। ये कह रहे भाई, चचा आखिरी कॉमेडी डायलॉग मार रहे हैं। अजी सुनो, ये डब्बे का ढक्कन नहीं खुल रहा। आ रहा हूँ। नाक में दम है भाई आपकी बेटी से? तो फिर मेरा हाल क्या होता होगा सोचो, मेरे पास तो उसकी अम्मा है। क्या रे भाई, चिच्चा दम पे दम कॉमेडी डायलॉग मार रहे हैं, पुराने खिलाड़ी दिख रहे हैं ना। अजी आओ जी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी। क्या हुआ जी? ढक्कन खोल के दो। दिमाग कड़क कर नको। पापा मैं मजाक कर रहा था जी। हाँ बेटे। कितने चम्मच शक्कर डालो चाय में? 2 चमचे। ठीक है पापा, बस इतना डर काफी है। हेलो, ये ढक्कन नहीं खुलता और तो से क्या दिमाग खराब है। आज अचानक बेगम को मेरे पर इतना प्यार कहीं को आ रहा, और आज जुमेरात भी नहीं, मतलब बेगम को पैसों की जरूरत है। अजी सुन रहे मेरी बात? बोलो। वो अपन कल छोटन के वास्ते बच्ची देखने जा रहे ना? हाँ तो? अब तो मेरे को 2000 रुपए होना था। वो कहीं को? अरे पहन के जाने के वास्ते अच्छी साड़ी नहीं है मेरे कन। झूठी औरत, अलमारी भर के चिन्निया पड़े हुए है ना, उसका क्या अचार डाल दे। अरे अच्छे है तुम, वो सब मैं पहन ली सो और मोहल्ले वाले देख लिए, अब मैं पहनी सो साड़ी फिर से पहन के गई तो मोहल्ले वाले क्या बोलते? वैसा है तो मोहल्ला बदल देंगे अपन। अच्छा तो तुम मेरे को नहीं दिलाते साड़ी? बोलो बाइगर भी नहीं दिलाता तुम्हारा मैं। अरे क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं अंकल, वो कहे तेरा पैर स्लिप होगा। जीनत, अरे जल्दी चाय बनाओ जी, अंकल को देर हो रही। और कैसी अंकल आपकी तबीयत वगैरह? बस आपकी दुआ है बेटे। मेरी तो बदुआ भी नहीं है तुम्हारे साथ, दुआ तो बहुत दूर की बात है। और आपका कैसा चल रहा कारोबार? बस चल रहा अंकल, चला ले रहा हूँ। क्या गिरा चमचा? अरे जरा देख के करो जी, बहुत कमी है अंकल आपकी बेटी में। इस वास्ते तो आपके सर का दामाद मिला हमारे को। आपका आजाद यार, वो चिच्चा बेइज्जती करते रहे, और थोड़ी देर घर में रहे तो पूरी इज्जत का कचरा कर देते हैं, कुछ भी करके इनको भिजा देना। जीनत, अरे जरा जल्दी लाओ जी चाय, देर हो रही अंकल को। आ रही हूँ पापा, चाय। माशाल्लाह जबरदस्त, क्या बेहतरीन चाय है, एक नंबर। वो हम लोग आना जमजम टी यूज करते इसलिए। देखे रजाक मियां कितनी होशियार है मेरी बच्ची, अनमोल है अनमोल, कोहिनूर के हीरे के जैसी, करोड़ों में एक बेटी दिया मैं तुम्हारे को। शुक्र करो ऊपर वाले का, और क्या होना तुम्हारे को। वो सब छोड़ो अंकल, मेरे को एक बात बोलो आप,
वापिस कितने में लेते? क्या बोले? नहीं नहीं मैं ये बोला, वो सब छोड़ो अंकल, ऑफिस को कितने बजे जाते आप? ऑफिस को नहीं जा रहा हूँ ना मियाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब चिगट यहीं बैठते तुम क्या सोच रहे जी? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि अंकल को देर हो रही है भाई, दूसरों को भी दावत देने का होगा, छोटे उनको बच्ची देखने जा रहे हैं चरो बोल के, तुम देखे तो देर कर दिए चाय बनाने में। कुछ देर नहीं हो रही पापा, आप आराम से खाना खा के जाना। नहीं बेटे फिर कभी, वो तेरी भावज को भी तो बोलने जाना है ना, नहीं तो क्या बोलेंगे, छोटन को बच्ची देखने गए हमको नहीं बोले, बोल के बोलते नहीं बोलते। अरे अंकल इतनी भी क्या जल्दी है, दो आने वाले तो भी खा के जाना था। नको बेटे फिर कभी, अल्लाह का शुक्र है चल रहा जी 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 उठे। हेलो जी 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 ठीक है ठीक जी, क्या हुआ पापा? वो बच्ची वालों का फोन था जी जी, उनके पास उनकी सास की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा, दो रोज के बाद आओ बोल के बोल रहे। अरे अब भी खराब होना था, उसकी सास की तबीयत को भी तो क्या नहीं जाते क्या अंकल अब आप? नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ तो नहीं जाना है तो रुक जाओ ना अंकल आप। मैं भी वही बोल रही हूँ ना, को जाओ ना पापा, रुक जाओ प्लीज। ए हेनरी औरत, मेरे अल्फाज को नहीं मेरे जज्बात को समझ। बोलो जी। ए रुक जाओ ना अंकल, जब आप लोग इतनी जबरदस्ती कर रहे तो मैं रुक जाता हूँ।